वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद यार व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो आज के व्लॉग में थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि यार हमारा नवाब कितना ग्रो कर गया और क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, और जो मैंने फूड उसका चेंज किया है ना यार, उसकी वजह से जो उसकी क्वालिटी में और जो उसके साइज़ में डिफरेंस आया ना, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो फूड काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ यार। तो मेरे को वैसे इन्होंने भेजा हुआ था ये फूड, ठीक है, कि मतलब कि आपको पता है स्पॉन्सरशिप के लिए जो मतलब भेजते हैं कि आप दिखाओ, तो मैं डायरेक्टली नहीं दिखाया आपको। थोड़े दिन मैंने टेस्ट किया, एक दो मतलब महीने टेस्ट किया मैंने इस फूड का, और उसके बाद अब मैं जितना भी फीडबैक है ना वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगे या आपको लगे कि यार इसके रिजल्ट आ रहा, तो आप भी इनकी वेबसाइट में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं फिर वीडियो। एक रोनी को भी दे। रोनी पकड़ता ही नहीं है। अरे नवाब का फेवरेट है ये ब्लैक वाला फूड। रोनी को, रोनी को, रोनी पकड़। रोनी कह रहा खोल के दो करके। नवाब ने तो भैया अपना पर्स रख लिया, अपना पर्स में। नवाब कहाँ ले जाएगा इसको? खाएगा। भाई इसने तो पैकेट ही पूरा पकड़ लिया है, और इसको तो देखो मिस करके। देखो भाई एक है ये चिकन जूक पावर, इसमें है चिकन जूसीनी, एग, स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये पसंद आया इसको, सनफ्लावर ऑयल वाला, ठीक है। और ये चिकन ब्रोको पावर। ओए ये खींच रहा है। तो आपको इसकी पैकिंग दिखाई सबसे पहले, पैकिंग खोल इसको एक बार, पैकिंग देखो इसकी यार क्या मस्त पैकिंग है। ये पैक करके बाहर, और इसके अंदर एक ये फुल सील्ड है, ये टाइट सील्ड पैकेट है, तो इतने मस्त पैकिंग है। और इसको इसको खोलने के बाद ना इसमें चेन वाला भी सिस्टम है, देखो यार ये मतलब इसको ऐसे करके सील कर सकते हो ताकि ख़राब ना हो हवा के साथ। एक और लेके आएगा तीन। तो एक काम करते हैं, पहले हम दो निकालते हैं सिर्फ। ये वाला तूने निकाल दिया ना, चिकन पम्पकिन पावर निकाल दिया इसने। अब ये हमने निकाल दिया चिकन पम्पकिन पावर। भाई देखो क्या कूद रहा है। ओए खुशबू सूंघ लिया है। ओए रोनी, ओए रोनी कूदा। भाई दोनों को बहुत ज्यादा खुशबू आ गई है। ओए रोनी कम ऑन नवाब। भाई भाई साहब 10 सेकंड काउंटर लगा दिया था यहाँ पे, कितना हो गया 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड में चटाचट कर गया भाई ये। देखो भाई अब थोड़ा रोनी को भी देंगे। अब रोनी अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, वैसे भी दे सकते हो नॉर्मली डायरेक्ट भी, और खाने में मिला के भी दे सकते हो। वहाँ पे देखो उसके चावल में डाल, उसकी चेन खींच, ये वहाँ भी खाने आ गए। इसके थोड़ा चावल में मिक्स कर देना रोनी के। खा दिया भाई साहब, पूरा खा गया रोनी भी। नवाब की जो हेयर जो क्वालिटी है देखो यार इसकी, जो ये अभी गर्मी में पूरा निकल गया था, हमने ब्लैक फूड देना स्टार्ट किया था इसको, और इसकी जो क्वालिटी है देखो कितनी इंप्रूव हो गई। इसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा गिर गई थी बीच में, ठीक है, तो काफी ज्यादा हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आया। और इसकी जो कोट की क्वालिटी दिखा, सिल्की हो गई, सिल्की हो गया इसका कोट एकदम। ये पुराने वाले बाल आगे दिख रहे होंगे थोड़े बचे, दिखा इसको ना, ये देखो ये पुराने वाले जो बचे हैं थोड़े से इसके सर के आसपास, पर यहाँ देखो ये कितना सिल्की कोट आ चुका है, ठीक है। अभी हमने इसको ये दे दिया है चिकन पम्पकिन पावर, अब हम इसको खिलाते हैं थोड़ा सा ब्रोको। इसमें पता है क्या है, इसमें स्पिनेच है, फ्लैक्स सीड्स है, और कैरेट भी है भाई, और अंडा भी है इसमें। तो चल वापस डाल दे, अब वापस डाल देते हैं। अब क्या है ना इसको डायरेक्ट भी आप खिला सकते हो, और थोड़ा रोटी वोटी में मिक्स करके, ये जो घर में आप खाना बनाते हो चावल वगैरह मिक्स करके। ये गार्डन में नहीं आता क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इसे यहाँ नहलाते हैं, तो इसलिए आता नहीं है इसको। रोटी खींच के ओए चल ओए भाई। तो भाई अब हम याला खिलाने वाले हैं। याला अभी थोड़ा, क्योंकि हमने थोड़ा सा दिया था इसको आज, हमने लंच ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करा रखा है, तो हम थोड़ा सा टेस्ट इसको अभी याला कराने वाले हैं। अभी थोड़े से आगे से आपको देखेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ी इसकी वो हो रखी है, थोड़े से गले के पास इसका थोड़ा दिक वो हो रखी है, गर्मियों की वजह से ये हो रखा है, क्योंकि हमने इसको ना एसी में रखा हुआ है ना, कूलर भी नहीं चलाते ना, कूलर भी नहीं रखा है, ब्रांड नहीं चलाते नहीं है। ओ भाई सुपर एक्साइटेड हो गया नवाब। ओए अब टाइम शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 ओए भाई सुपर डिलीशियस लग रहा है मेरे को इतनी जल्दी। वैसे कोई और खाना नहीं खाता, नहीं खाता ना कोई और, किसको हम देते हैं ना नॉर्मल चिकन भी देते हैं, इतनी जल्दी नहीं खाता है जितना। देखो पूरे प्लेट्स, इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो चटाचट
एकदम क्लीन कर दिया है। गाइस मैं आपको थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। चिकन इसमें है, ब्रोकली है, एग है, स्वीट पोटैटो, सनफ्लावर ऑयल, ओमेगा 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए भी और मतलब पेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 कैप्सूल, स्पिनच। यार हरी सब्जी तो इसने खाई नहीं, इसकी आंखें देखो कमज़ोर हो चुकी हैं पूरी और गेम खेल खेल के, लेकिन डॉग्स के लिए हमने स्पिनच का भी यहाँ से जुगाड़ कर दिया है और कैरेट वगैरह भी है। और बाकी ये जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप पॉज करके ये सब देख सकते हो कितना मस्त इसमें। भाई तो बताओ आपको कैसा हो गया, एक 7 महीने का हो गया तो बताओ भैया कैसी ग्रोथ हो गई इसकी और इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, इसकी बोन साइज और इसका हेड साइज। और ये देखो अभी ना ग्रोथ स्टेज में है, ठीक है, और इस टाइम पे अगर आपने इसको अच्छी डाइट रखी तभी आपको इसका अच्छी जो मतलब फुल ग्रोथ है ना वो बड़े होकर नजर आएगी। अदरवाइज अगर आपने डाइट अच्छी नहीं रखी है तो तिब्बतन मैस्टिफ ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब अगर आपने डाइट अच्छी नहीं दी उनकी ग्रोथ स्टेज में तो भाई वो रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको जो डॉग में, जो आप जो कैनल में जाके देखते रहे और आप पापी ले आते लेकिन आप डाइट नहीं देते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा आम लगे हुए हैं यार, ना आपको आम पसंद है? नहीं पसंद ना, तो भैया अभी आम भी तोड़ते हैं, एक आध काफ़ी मीठे हो रहे हैं, दिखा तो। हाँ कोई वाला तोड़ दे, कोई बढ़िया से तोड़ दे यार, तोड़ना आता तेरे को भैया? कम ऑन, आम में टच भी नहीं हुआ तेरे को पता है वो जो तूने किया? अबे इनकी बस की नहीं थी तो मेरे को आना पड़ा तोड़ने के लिए, तो मैं अपने हाथ से आम देखा आपने भाई कहाँ गया? अंदर गया अंदर। यो भाई जबरदस्त हो रखा है यार सुपर मस्त यार, ये असली ह्यूमन ग्रेड फूड है, ये भी डालो अपने फूड में आप, मीठा नहीं डालना, थोड़ा सा आम भी डालना पड़ेगा आपको। देखो इनके मेनली जो तीन टाइप की वैरायटीज आती है इनकी, तो ये चिकन ब्रोको पावर, चिकन जूक पावर और चिकन पम्पकिन पावर। तो मतलब चिकन तो सभी में होगा, बाकी इसमें आपका जो वेजिटेबल्स वगैरह ह्यूमन ग्रेड फूड होता है ना वो होता है, तो काफ़ी सही रहता है यार ये। और एक पैकेट आता है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना कि इसको आप कहीं भी अपने साथ ले जाके कभी ट्रैवल कर रहे हो ना तो भी आप इसको अपने डॉग को या कैट को खिला सकते हो, तो ये कैट भी बनाते हैं, बढ़िया डॉग फूड है। भाई नवाब ने अभी से चेन तोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये देखो इतनी मोटी चेन, वो भी तोड़ दिया। नवाब क्या है तेरे को, ये ब्लैक फूड तेरे को इतनी एनर्जी दे रहा है क्या भाई साहब? अब आ गया असली टेस्ट जो कि अब खाएगा माही इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन ग्रेड इंग्रेडिएंट्स हैं। अब माही रेडी, माही एक चिकन का पीस खा ले, अबे खा ले कुछ दिक्कत नहीं। देखो भाई ये मामा के सिर्फ फुल ऑर्डर मानता है ये देखो आते ही एकदम खड़ा हो गया भाई, ये जब स्टार्टिंग में आया था ना इसे, मामा आपको भी बहुत काटा था ना इसने स्टार्टिंग में, भाई ये आया था सबको काटने लग गया था ये स्टार्टिंग में, पर अब देखो ये देखो ऐसे करने में तो भाई बुक्का आ जाता था ये, अब देखो भाई इसे ये फुल प्लेफुल हो गया, अब किसी को नहीं काटता, हमने इसको इतना सोशलाइज कराया ना, इतना सोशलाइज कराया फुल रिजल्ट आ रहा है इसका। वो बता दो यार कि इसकी जो यूएसपी है ना वो है कि यार इसमें ह्यूमन ग्रेड इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं है और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके हेल्थ के लिए भी और आपके पेट के हेल्थ के लिए भी, बिकॉज शुगर आपको पता ही है हानिकारक होती है, प्रिजर्वेटिव्स तो मतलब यार बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, इसलिए आजकल हमारा ऑर्गेनिक फूड चलने लगा है। और ह्यूमन ग्रेड इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है कि मतलब अगर आप लोग भी इसको आराम से खा सकते हो, वैसे खाना नहीं है, मतलब जो ह्यूमन हमारे लिए जो जिस इंग्रेडिएंट से खाना बनता है ना सेम उसी से ये डॉग फूड बना हुआ, तो काफ़ी सही है। आपको रोनी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, इनकी वेबसाइट से जाके ऑर्डर जरूर कर, अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो और अगर आपको हमारे नवाब की ग्रोथ कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना यार। देख लो आप नवाब को ना मास्क पहनाने वाले हैं, पहले तो मास्क बहुत ही डिफिकल्ट होता था, देखो आप पहनाने वाले हैं। ओ भाई नवाब भाई पहना दिया
भाई भाई साहब यार, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि नवाब को जब ये साला 3 महीने का था ना, इसको तब मास्क नहीं पहना पाते थे, और अब इसको 7 महीने में ये आराम से मास्क पहना ले रहा है। तो अब इसको हम बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो इसको मास्क इसलिए पहनाते हैं क्योंकि ये कुछ बाहर खाने लग जाता है ना खाना वाना, इसलिए इसको मास्क पहनाना पड़ता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, फुल फ्रेंडली है हमारा नवाब। आ जा भाई। ये कौन है भाई? शेरू इसका नाम है इसका। ओए भाई नवाब का दोस्त। ओए लड़ाई होने वाली है। अच्छा बाय। तो गाइज यार ये आम, अगर आपको स्टार्ट, तो गाइज अगर आपको ये आम खाने हैं या आपको नवाब से मिलना है तो यार भाई अभी को आप इंस्टाग्राम में रीच आउट कर सकते हो, तो ये आपको डिटेल्स दे देगा, आम भी आपको दे देगा खाने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं यार। अगर आपको ब्लैप फूड अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ब्लैप की वेबसाइट से या अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको हमारा नवाब कैसा लगा, उसकी ग्रोथ कैसी लग रही है, और देखो थोड़ा गर्मी में थोड़ी जो उसकी हेल्थ डाउन हो रही है, गर्मियाँ चल रही हैं, हमने कूलर एसी में उसको नहीं रखा हुआ है बिकॉज हम उसकी आदत नहीं डालना चाहते, ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो अभी थोड़ा सा उसकी हेल्थ डाउन हो रही है, अगली विंटर्स है ना, आप देखना उसकी हेल्थ क्या जबरदस्त हो जाएगी। ग्रो तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, ब्लैक फूड देके काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है उसकी हेल्थ में, तो ऐसे हम उसको देते रहेंगे। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं और इस ब्लॉग में खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल नेक्स्ट ब्लॉग, बाय 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 बाय।